दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है जुम्मा और जुम्मा आपको तहे दिल से मुबारक हो। जुम्मे के मौके पर लेके चलते हैं आपको दरगाह शरीफ, और दरगाह शरीफ में कैसी है चहल पहल बताएंगे आज के वीडियो में। उसी के साथ जियारत कराते हुए आपके लिए करेंगे दुआएं, तो बने रहे वीडियो में, लास्ट तक देखते रहे मंजर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हर एक मंजर आने वाला सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं वीडियो के अंदर, और शेयर भी करें। से आप उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है जुम्मा और जुम्मा आपको तहे दिल से मुबारक हो। और जुम्मे के दिन नवाज से पहले क्या मंजर है निज़ाम गेट की ओर आप देख लीजिए, और आपको जुम्मे के दिन हजूर करीम नवाज सरकार की हाज़िरी भी मुबारक हो। देख लीजिए कैसा है मंजर, ज़ियारत कर लीजिए, फिर लेके चलेंगे आपको अंदर की ओर। आता है नूर की ओर, लेके चलते हैं। व्यूअर्स, पायती गेट की ओर, पायती गेट से आप गुंबद शरीफ की ज़ियारत करें और सलाम पेश करें ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को। और देख लीजिए आज जुम्मे के दिन क्या माहौल बना हुआ है पायती गेट की ओर, काफ़ी अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है। सुभान अल्लाह क्या माहौल बना हुआ है। ज़ियारत कर लीजिए गुंबद शरीफ की, फिर लेके चलते आपको आगे कवाली की महफिल सुनाते। आ चुके हैं कदम उसी की ओर, कदम उसी से आप सलाम पेश करें ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को, और आपको हजूर गरीब नवाज सरकार की हाज़िरी भी मुबारक हो जुम्मे के दिन की।
जुम्मा मुबारक हो आप ज़ियारत कर लीजिए, फिर लेके चलते हैं आपको आगे की ओर। आस्थाना शरीफ का 3 नंबर गेट की ओर का माहौल देखें, गुंबद शरीफ की ज़ियारत करें और काफ़ी अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है। सुबह अल्लाह क्या माहौल बना हुआ, आज काफ़ी चहल पहल है और भीड़ का आलम है और ज़्यादातर आज मेहमान हाजिरी वाले पास में बैठे हैं। ये देख सकते हैं ज़्यादातर हाजिरी वाले हैं और ज़ियारत करके कई मेहमान बाहर आ रहे हैं और 3 नंबर गेट से जा रहे हैं। फिर चलते हैं आपको आगे की ओर, यहाँ पर जन्नती दरवाज़ा है, गुंबद शरीफ की ज़ियारत करें और जन्नती दरवाजे का आप मंजर देख लीजिए। गुंबद शरीफ की ज़ियारत करें और नीचे है जन्नती दरवाज़ा, जन्नती दरवाजे की आप ज़ियारत करें। सुबहानल्लाह क्या माहौल बना हुआ, आज काफ़ी अच्छी चहल पहल है, भीड़ का आलम है, खचाखच। देख लीजिए आज जुम्मे के दिन का आपको माहौल बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लेके चलते हैं आपको आगे 4 नंबर गेट की ओर। यह 4 नंबर गेट की ओर आप देख लीजिए आगे पीछे से क्या है मंजर। ऊपर है शाहजहानी मस्जिद, ये है सामने 4 नंबर गेट, ज़ियारत कर लीजिए। सुबहानल्लाह क्या माहौल बना हुआ आज। पास में है संदली मस्जिद और संदली मस्जिद से पास में है 4 नंबर गेट, ज़ियारत करके मेहमान ज़्यादातर इसी गेट से बाहर आते हैं। देख लीजिए आप भी ज़ियारत कर लीजिए, फिर लेके चलते हैं आपको आगे की ओर। ये है बाबा फरीद साहब का चिल्ला, ज़ियारत कर लीजिए। अभी मुहर्रम में ये खुलेगा तो बने रहे वीडियो में, लास्ट तक देखते रहे मंजर रोज। ज़ियारत कर लीजिए बाबा फरीद साहब के चिल्ले के पास में अम्मा शरीफ की मज़ार है, बीबी साहिबा ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की, वहाँ का भी आप मंजर देख लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए। सुबहानल्लाह क्या माहौल बना हुआ है। जुम्मे के दिन चलते हैं शाहजहानी मस्जिद में, शाहजहानी मस्जिद के अंदर का आप माहौल देखिए आज कैसा है माहौल। सुबहानल्लाह शामियाने ऊपर लगे हुए हैं और धूप का आलम बना हुआ है और मेहमानों की भी आवाज़ें लगी हुई है। अभी नवाज से पहले का मंजर बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, बने रहे वीडियो में, लास्ट तक देखते रहे मंजर पूरा बताएंगे आज के ब्लॉग में, बने रहे जी वीडियो में, देखते रहे मंजर। Oh, God.
ख्याल रखें, अपने संतोष अच्छा रखें, अपने देश की सामान पर मोबाइल और देश की सामान की हिफाजत करें। नगर निगम के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लंगर खाने गली में है, बराए घर तवज्जो फरमाए। नगर निगम के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लंगर खाना गली में है, वो बराए कर्म गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 के आगे जो चप्पलों का ढेर लग गया है उनको वहाँ से हटा दें। उसमें रास्ते में रुकावट पैदा हो रही है, उससे कोई हादसा हो सकता है, उसके बराए कर्म वहाँ से उन चप्पलों के ढेर को हटा दें। पीछे कुछ हो नहीं जाएगा भाई, समझता हो गए तो यार इधर हो गए ना, एक मिनट पूरे थोड़ी नहीं जगह, थोड़ी नहीं इधर आगे पीछे।